हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है इस मेकअप लुक के बारे में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपने मेरी वीडियो को फुल एंड तक देखना है। तो बहुत आसानी से मैंने आपके लिए ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी। तो अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है डव का मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन ले सकते हैं। तो डव का जो लोशन है ना, मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनकी स्किन ड्राई है ना, तो वो ये यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र मस्ट है। इसके बाद मैं आइकॉनिक लिक्विड हाईलाइटर ले रही हूँ। तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, 200 या 300 का, आसानी से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ अपने चीक बोन पर, फोरहेड पर, नोज़ के एरिया पर यहाँ हाईलाइट करना है। पूरा फेस में हाईलाइट नहीं करी, इससे आपकी जो स्किन पर ग्लो आएगी। अगर आप ग्लोई मेकअप चाह रहे हैं तो आप इससे बहुत अच्छे से स्किन पर आपकी ग्लो आ जाती है मेकअप में। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एले गर्ल की प्रो कवरेज लिक्विड फाउंडेशन न्यूड बेज। इसका जो शेड है न्यूड बेज है। तो आपने ये तकरीबन टू पम्प्स लिए मैंने इसके लिए, ये मेरे फुल फेस के लिए इनफ होती है। तो ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज है, ज़बरदस्त। बस शेड आपने अब थोड़ा सा लाइट लेना है। ये थोड़ा सा मेरी स्किन पर डार्क शेड है, तो आपने एक टोन लाइट शेड लेना है अपनी स्किन से, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज भी होती है, उसके बाद ये थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से शेड लीजिएगा। तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऐसा ब्रश होना चाहिए, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं, फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्रश से भी कर सकते हैं ब्रश। उसके बाद मैंने ब्रश से अप्लाई करने के बाद ब्लेंडर में इसलिए यूज़ करी हूँ, जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन होगी तो वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर पर आ जाएगी और ओवर ज़्यादा आपकी फाउंडेशन फेस पर नहीं लगी रहेगी। तो आपने ब्लेंडर भी मस्ट यूज़ करना है फाउंडेशन के बाद। अब मैं मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ। तो ये आपने लेना है अपनी डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, आप ले सकते हैं। वैसे मैं कंसीलर इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, बट ये तो मेकअप थोड़ा सा ज़रा स्मोकी लुक देख रही थी तो मैं इसलिए कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप कोई भी कंसीलर लें, लेकिन ये कंसीलर बहुत अच्छा है। एक तो अफोर्डेबल है, दूसरा ये आपको फुल कवरेज देता है, आपके डार्क सर्कल जो भी पिगमेंटेशन होती है वो हाइड कर देता है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी अपने फेस पर। तो अब मैं ले रही हूँ क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। जब मैंने ये अप्लाई किया था ना, तो इतना ज़बरदस्त इसने कवरेज दी थी। इतना ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है इसका। आप अगर इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद क्रिस्टीन का कॉन्टोर ले रही हूँ मैं, इसको 02 इसका जो शेड है। इसमें दोनों शेड बहुत ज़बरदस्त हैं। 02 अगर आपने ये लेना है तो आप 02 नंबर लें तो इसका बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके शेड बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपने कंटोर लेना, मैं एक छोटा सा एक कंटोरिंग ब्रश ले रही हूँ, उससे आपने ब्रश की हेल्प से ना आपने इसको अपने जहाँ आपकी बोन है ना, आप इस तरह आप ऐसे करेंगे ना तो मुंह को तो आपको ऐसे फील होगा। तो आप अपने इस तरह आपने अपने फेस को ऐसे करना है, तो आपने इसको अपनी लाइन लगानी है, एक लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है। एक अब फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से कंटोर करूँगी। आप अपने फेस को कंटोर करें, जिसका जो थोड़ा सा, जैसे मेरा फेस अगर थोड़ा सा हेल्दी है तो आप अपने फेस को कंटोर लाजमी करें। इससे बहुत अच्छा इस अपने आपके फेस पर लुक आती है। अब मैं थोड़ा सा इसका जो साथ जो शेड था ना वो ले रही हूँ, थोड़ा सा ब्रोंजिंग कर रही हूँ अपने फेस की। नोज़ पर भी मैं ये लगा रही हूँ, वही ब्रश। नोज़ पर मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया, वही ब्रश अप्लाई, उसी से जो प्रोडक्ट थी ना वही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, म्यूज़िक फ्लावर का डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं, इसे अपनी आईब्रो को सेट करूँगी। तो एक लाइन मैंने नीचे ड्रा करनी है अपनी आईब्रो के नीचे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लेनी है, आपने ज़्यादा नहीं लेनी। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जो शेप आपने आईब्रो की बनानी हो तो आप इस ब्रश की हेल्प से बना सकते हैं। तो आपने एक लाइन ऊपर ड्रा करनी है और उसके बाद इस आईब्रो को फिल कर देना है उसी प्रोडक्ट से। ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे ना तो उससे ज़्यादा आपका बहुत हार्श लुक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी। तो आपने ना थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट के साथ ही काम करना है।
दोनों आईब्रो में बनाने के बाद इसके बाद मैं कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है, ताकि अलग-अलग से कलर लगा हुआ नज़र ना आए, जो भी है वो स्प्रेड हो जाए। उसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर सॉरी मिस रोज़ का ही कंसीलर ले रही हूँ मैं। अपनी आईब्रो को थोड़ा नीट करने के लिए ही हम कंसीलर को यूज़ करते हैं। अगर आप नीट लुक चाहते हैं ना, तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर करें, तो इससे आपकी जो आईब्रो है बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा नीट लगेगी। अगर कोई आपकी प्रोडक्ट ऊपर नीचे लग भी गई है ना, तो इससे आपकी वो जो सारी है ना नीटनेस आ जाएगी आपकी आईब्रो पर। तो इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से सेट कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, लाइन ड्रा कर रही हूँ, ताकि जो मेरी आईब्रो है वो अच्छे से नीट हो जाए। तो नीट करने का मतलब ये होता है कि आईब्रो पे जो भी प्रोडक्ट होती है वो एक्स्ट्रा लगी हुई होती है, तो वो नीट हो जाती है, हाइड हो जाती है। उसके बाद हमने ये देखिए फ्लैट ब्रश की मदद से आप ऐसे इसको नीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ जस्ट गोल्ड की एक काजल पेंसिल ले रही हूँ। जस्ट गोल्ड की जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी लिप पेंसिल है, इसकी लिपस्टिक है, इसकी काजल पेंसिल है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। देखिए कि ब्लैक पेंसिल जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। अच्छा, एक ब्लैक लाइन मैंने लैश लाइन के साथ ड्रा की। उसके बाद मैं काशिश का पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ब्लैक शेड लेकर मैं उस लाइन के ऊपर ही एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसको कलर काजल के ऊपर ही मैंने ब्लैक शेड को अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि हमारा जो शेड है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। स्मोकी लुक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने आज क्रिएट किया था वो स्मोकी लुक है। बहुत आसानी से आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसी काजल ये जो ब्लैक शेड लगाया था, काजल लगाया था मैंने, इसके ऊपर ब्लैक शेड लगाया। उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड लेकर उसी काजल के ऊपर मैं अपनी आपने आईलिड के क्रीज लाइन के नीचे नीचे ही, ऊपर आपने नहीं जाना, आपने अपनी आईलिड के अंदर ही इस कलर को रखना है। और एक छोटा सा फ्लफी सा ब्रश मैं ले रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं इसको जो शेड मैंने अप्लाई किए हैं इसको मैं अब अच्छे से ब्लेंड करूंगी। स्मोकी लुक में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लेंडिंग की। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है, तो आपका जो स्मोकी लुक है वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा हार्श लुक आ जाता है। तो आपने स्मोकी लुक करना है तो इसको बस ब्लेंड करते रहना है। उसके बाद मैं एक पीची सा पीच कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश लुक देने के लिए। आप पिंक कलर या थोड़ा सा लाइट पिंक कलर आप ले सकते हैं। इसको मैं ब्लेंड करूंगी अच्छे से। अगेन मैं दोबारा जो काजल लैश लाइन के साथ, लाइनर लगाना चाहते हैं तो आप लाइनर लगा लें, मैं यहाँ काजल पेंसिल ही अप्लाई कर रही हूँ। तो पीच कलर को भी जो मैंने लगाया था उसको मैंने ब्लेंड कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर ब्लैक शेड लगा रही हूँ, काजल नहीं लगाया मैंने, शेड लगाया है। उसके बाद ये गोल्डन शेड लगा रही हूँ मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। ब्रो बोन को हाईलाइट करें, ताकि आपका जो स्मोकी लुक है बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक आइज ना लगें, तो आपका थोड़ा सा पॉपअप हो जाएगा, आइज आपकी पॉपअप हो जाएंगी। उसके बाद मैं इनर साइड पर भी थोड़ा सा गोल्डन शेड लगा रही हूँ, ताकि मेरी आइज बहुत अच्छे से थोड़ी सी गोल्डन, इसमें जो आप ये वाला स्टेप करते हैं ना, तो आपकी आइज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं वाइट पेंसिल ले रही हूँ, ग्लैमरस फेस की वाइट पेंसिल। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, अच्छे से अप्लाई। कुछ वाइट पेंसिल बिल्कुल भी वाटर लाइन पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल अफोर्डेबल है, 150 की आई थिंक मैंने ये लोकल शॉप से ही यहाँ से ली थी। तो आपको भी किसी भी ग्लैमरस फेस की तो चीज़ें आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएगी, तो ग्लैमरस फेस की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने जितनी भी इसकी प्रोडक्ट यूज़ की है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद एसेंस का लैश प्रिंसेस, आई थिंक प्रिंसेस लैश प्रिंसेस मस्कारा है। और अगर आप अच्छा मस्कारा चाहते हैं, ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आप लैशेस अप्लाई नहीं करती तो आप ये मस्कारा अप्लाई ज़रूर करें। और ये अगर आप बाय कर लेती हैं ना, तो आपका ये बहुत ज़बरदस्त आपकी लैशेस को कर्ल कर देता है, और बहुत अच्छे से ऐसे लगता है आपने फेक लैशेस लगाई हुई हैं। अच्छा, इसके बाद मैं ये ब्लशन ले रही हूँ, आई थिंक इसका नाम फॉर मी ओनली ब्लशन है, तो इसका नाम नहीं मैंशन था, सिर्फ यही लिखा हुआ था। मुझे ये भी 150 का आई थिंक मिला था लोकल शॉप से ही। तो इसका पीच कलर मैं अपनी ब्लशन को पीच कलर में अप्लाई कर रही हूँ,
तो ब्लशन आप अच्छे से ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। फोकल लुक का मैं ब्रश ले रही हूँ हाइलाइटर ब्रश, उसके बाद ऑडबो का हाइलाइटर है, ये 06 इसका जो नंबर है, और ये ज़बरदस्त हाइलाइटर है। मैं इस हाइलाइटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप कोई अच्छा हाइलाइटर बाय करना चाहते हैं तो आप ये वाला हाइलाइटर बाय कर सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन ही मिलेगा। आई थिंक ये आपको कहीं मार्केट से नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इसको बाय कर सकती हैं। उसके बाद आपने हाइलाइटर अगर आपको बहुत पसंद है, तो मैं तो अपने फुल फेस पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए आप, फोर हेड पर बहुत ज़्यादा मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया। उसके बाद जस्ट गोल्ड की पेंसिल ले रही हूँ, 520 इसका नंबर है, और ये बड़ी, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी होती है। जस्ट गोल्ड की जो पेंसिल होती है ना, लिपस्टिक पेंसिल, इसकी बहुत अच्छी पिगमेंटेशन होती है। ये जो पेंसिल है इसका जो शेड है बहुत प्यारा है। अगर आप लिपस्टिक नहीं अप्लाई करना चाहती, जस्ट आप पेंसिल अप्लाई करें तो आपका बहुत खूबसूरत लुक देता है ये। उसके बाद मैं GR की गोल्डन रोज की मिनी लिपस्टिक ले रही हूँ, लिप ग्लॉस है ये, और ये बहुत जबरदस्त न्यूड लिपस्टिक, जिन लड़कियों को पसंद है ना न्यूड कलर, तो आप ये वाली लिप ग्लॉस लें, और मिनी ग्लॉस है। आई थिंक मुझे 250, अब तो इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो ये मैं थोड़ा सा न्यूड कलर दे रही हूँ लिप्स पर, ताकि स्मोकी लुक है, तो आपकी आईज डार्क हैं तो आप लिप्स लाइट कलर की ही लिपस्टिक लगाएं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है, और आपके लिप्स, और इतनी कंफर्टेबल है, आपके लिप्स पर कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाता, जैसे आपने कुछ एक्स्ट्रा अपने लिप्स पर लगाया हुआ है, तो बहुत कंफर्टेबल है। इसकी लिप ग्लॉसेस के कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखिए शेड कितना खूबसूरत आया है इसका, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका शेड न्यूड शेड है, और ये आपका रेगुलर शेड आपका बहुत ज़बरदस्त लगता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये लिपस्टिक, मिनी लिपस्टिक्स में बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा कुछ कमी लग रही थी लिप ग्लॉस पर, तो मैंने यहाँ एक ग्लॉस लिया, तो मैं थोड़े से लिप्स पर शाइन लगाऊंगी, ये ग्लॉसेस मैं लगा रही हूँ। अच्छा, इस जो इस ग्लॉस का ना नेम नहीं लिखा हुआ था, आई थिंक इसका जो शेड नंबर है वो मिट चुका था, तो मुझे नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस पर मेंशन नहीं किया। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये मेरा हो गया लुक कम्प्लीट। तो आई होप आज का मेरा मेकअप लुक आपको अच्छा लगा, स्मोकी मेकअप लुक है, बहुत ईजी, बहुत आसानी से मैंने आपके साथ शेयर किया है आज का मेकअप लुक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने आपका मेकअप लुक क्रिएट करा है। अगर आप देखना चाहते हैं बहुत सारे लुक, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद मैं मिलती हूँ आप एक नए वीडियो के साथ, एक नए लुक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।